और मध्य प्रदेश बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। ग्वालियर में कल प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन आज फिर बीजेपी ने एक बैठक आयोजित की है जहां पर शिवराज सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं के बारे में मंथन किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने और अन्य पदाधिकारियों ने मिलकर इस बैठक की माइक्रो प्लानिंग की है। बीडी शर्मा ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा के समापन के बाद 25 सितंबर को कार्यकर्ता महाकुंभ होगा, जिसमें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि उनका आशीर्वाद प्रदेश के कार्यकर्ताओं को जरूर मिलेगा। बीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने जो काम किया है, गृहमंत्री अमित शाह ने विकास और गरीब कल्याण का रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया है, उसे जमीन पर उतारना हम सभी का ध्येय है, कर्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, विकास इस मध्य प्रदेश का एक बड़ा आधार बना है और गरीब कल्याण की योजनाएं, तो इस आधार पर यहाँ अच्छे अच्छे आए और चले गए। कानू गोलू आए थे, पता नहीं कहाँ चले गए, जो कर्नाटक का अपने आप को सिरमौर बता रहे थे। तो ऐसे ये चाचा और जो कहने के लिए आप कहते रहेंगे, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के काम और हमारे नेतृत्व में विश्वास पर काम कर रही है।